Assalamu alaikum, my dear students. हम review exercise कर रहे हैं. आज हम करेंगे action verbs. हम revise कर लेते हैं definition. An action verb describes what someone or something is doing. Action verb जो है वो describe करता है कि कोई क्या काम कर रहा है. Look at the given picture. इस picture पे देखें. And write 5 sentences using action verbs. और 5 sentences लिखें action verbs को use करते हुए. आप गौर से इस picture को देखें तो इसमें हर बंदा कोई ना कोई काम कर रहा है. मसलन write, तो आप देखें कि एक बच्चा टेबल पे बैठा writing कर रहा है. Read, एक बच्चा कारपेट पे बैठा अपनी book read कर रहा है. Listen, मदर जो है सोफे पे बैठी फोन सुन रही है. वॉच, अंकल जो है टीवी वॉच कर रहे हैं. और प्ले, एक कैट जो है वो फुटबॉल प्ले कर रही है. सो अब हम इन एक्शन वर्ब्स को राइट, रीड, लिसन, वॉच एंड प्ले, इनको हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे. राइट का मतलब होता है लिखना, रीड पढ़ना, लिसन सुनना, वॉच देखना और प्ले खेलना. माय डियर स्टूडेंट, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहां पे लोगों को मुखातिब किया है कि ए लोगों जो ईमान लायो, ये आपके सामने रेफरेंस है, आमानु आमिलु सालिहात, ईमान लाओ और अमले सालिया करो. अगर हम अल्लाह पे ईमान का दावा करते हैं और हम झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब है हमारा ईमान सही नहीं है. हमें अपना ईमान मजबूत करना चाहिए. एक मुसलमान जो है वो झूठा नहीं होता, वो गीबत नहीं करता, वो गंद नहीं फैलाता, वो सफाई करता है. वो अकेले में भी अल्लाह को हाजर नाजर जानते हुए अकेले में भी गुनाह नहीं करता. वो गलत चीज़ें नहीं देखता मोबाइल की स्क्रीन पे और कंप्यूटर पे. तो हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करने के लिए कुरान मजीद को रोज़ तर्जमे के साथ पढ़ें, ताकि हम अल्लाह ने जिन लोगों से जन्नतों का और अजर का वादा किया है वो लोग हैं जो आमनु अमलु सालिहात किए, जिन्होंने ईमान लाए और अमले सालिया किए. चिल्ड्रन मस्ट लर्न टू राइट नीटली, बच्चों को अच्छे तरह से लिखना आना चाहिए. ही रीड्स अ स्टोरी एवरी नाइट, वो रात को सोने से पहले हर रात को एक स्टोरी पढ़ता है. प्लीज लिसन टू मी क्वाइटली, मेरी बात को खामोशी से सुनो. आई वॉज वॉचिंग टीवी इन द लिविंग रूम, मैं लिविंग रूम में बैठने के कमरे में टीवी देख रहा था. वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं. उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा. इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.